बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा भांजा सुबह सुबह आया है सामान उठाने के लिए। वेलकम वेलकम जी, आप अंदर आ जाएं, आ जाएं, कोई बात नहीं, चार पे बैठ जाएं। ये इसका दोस्त है ना, वो उसका चक्कर लगता है यहाँ तक, भाई पिंडी से एक स्टाफ पीछे, तो ये उसके साथ, मैंने कहा आ जाओ, फ्री में आओगे और फ्री में हमारे साथ गाड़ी में ट्रक में बैठ के जाना। कह रहा आंटी जी कोई ऐसा मसला नहीं, मैं तो आपके सामान के लिए आ जाता हूँ, मेरा भांजा आया है हेल्प करवाने के लिए। अच्छा जी, आपका भांजा आया, तो आप भांजे की खुशी में हमें क्या खिलाएंगे? मार मार मुझे क्या बात, या भांजे को करो, आपने मार खानी है या मैंने खानी है? दोनों आधी आधी कर लेंगे, बस ठीक है। हमने पेंडुओं की तरह पढ़ने चढ़ने बांध लिए। जी जी बिल्कुल, बक्से से पैक कर लिए सारा सामान। रात को मैं तकरीबन 2 बजे मेरे ख्याल से मैंने बक्सा फुल करके हटी हूँ, सारा किलर कलियार पड़ा हुआ है अभी, वो भी बर्तन पैक कर दिए, नाश्ता किया है, बर्तन भी नहीं है बेटा, बर्तन तो उठा दो ना, ये बर्तन उठाओ, तो सूटकेस भी हमारे नीचे आ चुके हैं, तो आप सबको पता। ओ मॉम के पापा ये फट गया, चलो कोई बात नहीं, अब सिलाई हो जाएगा वहाँ पे जाके ना। हाँ। तो सारा सामान मैंने भी इधर से अपना सारा सामान पैक कर दिया, बच्चे तोड़ देंगे इन बाल्टियों को, कहीं ना कहीं संभाल के रखे, मैंने रात को दोनों को धोया, देखे चिट्टी सफेद हो गई मेरी तरह। ये उठाओ बेटा बर्तन, बर्तन उठाओ, बहुत ज्यादा खिलर खलियार पड़ा हुआ, बहुत ज्यादा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग चैकिंग लगे हुए बस ना, बारिश कभी धूप तेज निकल आती है, कभी बारिश है, तो कहीं बारिश थमने का नाम ले तो फिर हम आगे कुछ करने के काबिल हुए। तो कपड़े जो कल धोए थे वो तो जैसे ही डाले बारिश शुरू होगी, फिर मैं अपनी दोस्त के घर सामने डाल के आई हूँ, वो थोड़ा सा ना घर बंद है, थोड़ा क्या सारा घर उनका बंद है, मगर उन्होंने तो 2 तारे बांध दिए, इतनी मुश्किल से मैंने पूरे किए कपड़े, अब देखे क्या बनता है। अभी नाश्ता किया है बच्चों ने, हम सब ने चाय पराठा खाया है, रात के लिए भी रोटियां आज मैंने बना ली हैं पहले। जबरदस्त हो गया, बताओ क्या, फिर ये रोटियां बनाओ, फिर ये करो, अभी मैंने पार्लर जाना है, तो है? शादी भी जा रही है? शादी पे नहीं सही है, चलें ठीक है, आप पार्लर जाएं, आप सब और मैं जो ना भरपूर दुआएं करनी है, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप नहीं करनी, लाइक कर दें और प्यारा से कमेंट कर दें, हमें ढेर सारी दुआएं दें, आप सबकी बहुत ज़रूरत है, और इतने अच्छे अच्छे जिनके कमेंट आते हैं उनके लिए बिग रिस्पेक्ट, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे और हमेशा खुश रहें। बस अभी राशिद ने जाना है बच्चों का, वो जो बेफाम बना है तो वो लेने के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते हमारा ये भी बहुत बड़ा मसला हल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों का जिस स्कूल में हम दाखिल करवाने जा रहे हैं उनका बेफाम लेके आए, जो अब दाखिल हो जाते थे हम कहते थे 1-2 महीने बाद आ जाएगा, अभी आ जाएगा कल, वो स्कूल से निकाल दे, गवर्नमेंट स्कूल वाले बहुत सख्ती है, तो इस वजह से बेफाम बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया था, अल्लाह भला करे उनका जिन्होंने बनवा के दिया है। तो राशिद साहब आप जाएँ जल्दी से लेके आएँ, जब तक मैं बच्चों को निलाना अभी क्या रात को निलाऊंगी, तो बाकी मजीद काम है मैं कर लूँ। ठीक, आपने कौन से काले कपड़े पहने सफर में? जोन से भी काले सही रहेंगे। हाँ जी, काले गंदे भी नहीं होंगे जी, ठीक है, तो आपका कोई समझ आ रही, मेरे किसी दुपट्टे पे पीको नहीं हुई, चले वहाँ पे जाए करवा लेंगे, वहाँ पे जो अभी रास्ते में कपड़े पहन के जाऊंगी पीको तो होनी चाहिए, तो आज जुमा दुकानें बंद है ना, आज जुमा है ना, 3-4 महीने से मैं कह रही हूँ, तो आपने निकालने थे, मैंने किराने थे पीके या मशीन ने करने थे? आपने करवा के लाने थे ना, आपने पेमेंट देनी थी, पेमेंट पहले कभी नहीं दी ना, जो अभी आपको याद आया है जी, तो ठीक है, चले जाए ना, बहुत ज्यादा देर, ये देखिए पाँव धोने हो गए मेरी चिट्टो, ये देखे सारा जो ना गंद पड़ा, बारिश की वजह से सफाई भी नहीं कर सके, बाकी जो ना इतनी मजे की धूप निकली, मैं नाश्ता बना रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल में मौसम साफ हो रहा है, अल्लाह करे मौसम साफ हो जाए, बारिश ना हो, बिल्कुल साफ, रात को बिल्कुल नीला था आसमान, एकदम बादल बने इतने तेज, मैंने चटाई भी रात को धोई, कल मैंने चरपाई भी धोई, बड़ी हिम्मत मारी, बहुत इधर बर्तन पड़े थे फालतू, वो सारे निकाले, मैंने कहा वो किसी को दे देंगे, इतने बर्तन क्या करने, कांच के बस ले जाएंगे, तो पर्दे धोए, इतनी थक गई थी रात को, सर्दी लग गई, मौसम बहुत प्यारा था, सारे बच्चों को सर्दी लग गई, तो मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है आप जाएं लेके आए।
ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चों के जो थे वो काम जो है ना वो बन गए हैं। अभी उठा के लाया हूँ, वहाँ पे अंदर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं सरकारी अवराज के ना वीडियो नहीं बनाता। अभी उठा के लाया हूँ, ये बेहतरीन उन्होंने बना दी है, इंशाल्लाह जो है ना बेफाम भी बन जाएगा। और जिससे बात बिल्कुल फ्री है, अभी चलते हैं घर, घर जाके फिर आपको जो है ना सारा शेयर करते हैं। ये जी जबरदस्त हो गया जी, मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल बड़ा दाव पे था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी बच्चियों का ये कागज़ बना दिए। ये आयत नूर इधर सामने करें ना, सीधा करें ना, आयत नूर और रावलपिंडी में पैदा हुई है तो राशिद शुक्र है मेरे नबीला बीबी। हाँ ये बीबी जरूरी है, बीबी हटाया करें नबीला बीबी। दूसरा भी देखे ना, दूसरा भी ये जाहरा का, जाहरा का नाम, ये तो जन्नत नूर लिखा हुआ है, जाहरा नूर क्या हुआ, जन्नत नूर, जन्नत ओ तेरी ये उन्होंने क्या किया है, देखो किसी और का फॉर्म तो नहीं है, नहीं नाम शाम साहब कोई मेरा ही लिखा हुआ है, बाप का राशिद महमूद नबीला बीबी। चलो जी जन्नत आ गया, जन्नत ही चाह गए हैं। इसकी बड़ी फूफो के साथ भी यूं ही हुआ था, क्या उन्होंने किया था, उनका नाम और था और लिखा हुआ है, आपको अपनी बहन का नाम ही नहीं याद, नहीं याद है अभी का, याद है हम उनका नाम नहीं लेंगे, वो फिर एतराज करेंगे, नाम नहीं लेंगे उनका नाम लेने का भी, और जन्नत नूर कोई और फुटंगता नहीं है ना, हमारे जन्नत की नूर होगी। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहेगी मेरा नाम चेंज हो गया, उसका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, चलो अच्छा नाम है कोई ऐसा मसला नहीं। वो देखिए पीछे हीरो साहब भी बैठे हैं आपके, आज माशाल्लाह बाल छाल कटिंग करवा के हैं, उसका कदम दे असर है, आप क्यों हंस रहे हैं भाई, मेरे पुत्र को याद है आज बाल छाल कटवा के, हमने बाल इसके छोड़े हुए थे तो बाल अगले ने मुंड भी काट देते, इतने व्यूअर्स आप खुद बताएं, वो था लटक गए, ये इतने बड़े बड़े इसके बाल थे इधर तक आते थे, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यहाँ से डब्बा करना है गोल नहीं करना, तो और ये कलमे इसकी ना और रोबा दिख पड़ी, इसकी कलमे इतनी इतनी थी, उसने ये कलमे भी काट दी, उसको मैंने कहा था ये जो आगे बड़े बाल है ना इतने इतने करने भैया आंखों पे ना पड़े, तो सेटिंग कर दी हमने इसके बड़े बाल रमजान के छोड़े ने, तो नीट कटवाए, अच्छी सेटिंग होगी ना आपकी, ऐसी सेटिंग उसने की, इतने गंदे बाल कटे, पीछे बाल ही नहीं थे आगे ये ही थे, ये इतने इतने, तो माजी ने बोला था इस तरह कटने और इसके बाल इतने ही थे, मैंने कहा हमारे पास वीडियो प्रूफ है, मैं नाश्ता बना रही थी अपने भांजे को मैंने भेजा, मैंने कहा जा इसके बाल सही कटवा के आइए, फिर कौन सी कटिंग करवा के आये हो, कटिंग है स्लोमो कटिंग, सलोन कटिंग, स्लोप 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 जो होते हैं ना, मसलन नीचे की तरफ झुका होता है, स्लोप कटिंग, हाँ जी, फिर भी थोड़ा सा बंदा लगा, स्लोप कटिंग, फ्लोप फ्लोप हो गई है, तो उसने तो मत मेरे पुत्र की मार दी, चलो कोई बात नहीं, इतना मुझे दुख लगा, आप फिर पूरा साल बाल रखेंगे फिर इस तरह मत, देखे ना जन्माजी कितनी देर साफ हुई है, मैंने गर्म पानी से धोई थी, शुक्र है सूख गई, कपड़े तो नहीं सूखे, मेरी दोस्त के घर पड़े हुए थे उतार के लाइन उतार पे डाले नहीं सूखे, तो फिर ऊपर वाला भी पंखा लगाया वो वाला लगा के अब ये डाले मैंने कहा सूख जाए, तो अब बाकी की पैकिंग करते हैं इंशाल्लाह, फिर जब रात को निकलेंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे सामान उठाना, तो अभी तो गाड़ी करवाने जाना गाड़ी वाले को कहने जाना है, तो इंशाल्लाह आप फिर न्यू व्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।